वेलकम टू शिल्पीज किचन। आपका शिल्पीज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पीज किचन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोयाबीन मंचूरियन, जो काफी स्वादिष्ट है। मैंने इसे बॉल्स के फॉर्म में बनाया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये देखिए, मैंने सोयाबीन लिया है और इसे मैंने अच्छे से गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से उबाल लिया है और इसका सारा पानी निचोड़ लिया है। आप भी इसे निचोड़ लें। और इसे देखिए, मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लूँगी। ये एक साथ नहीं पीसेंगे, थोड़े थोड़े करके इसे हमें ग्राइंड कर लेंगे। हमें ज़्यादा इसे पतला नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रखना है। चलिए इसे हमें ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप इसी तरह से कर लें। चलिए इसके हम बॉल्स बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच डाला है कॉर्नफ्लावर, साथ में भुना हुआ जीरा, गोल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोया सॉस भी इसमें डालेंगे। 1 चम्मच डाल लें और इसे अच्छी तरह से पहले हम चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे, नहीं तो सारे कॉर्नफ्लावर जो होते हैं वो हमारे हाथ में चिपक जाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें चम्मच की सहायता से। उसके बाद हम हाथ की सहायता से इसे मैश करेंगे। और ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करें। इसके हम बॉल्स बनाएंगे। अगर आपके बॉल्स अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकती हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। अगर नहीं बन रहे हैं तो इसमें बेसन ऐड कर ले 1 चम्मच। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ दबा के अच्छे से इसे गोल का शेप दे दे। देखिए बन गया है। इसमें पानी की जरूरत नहीं है, इसमें हम पानी ही नहीं ऐड करेंगे क्योंकि सोयाबीन में पहले से ही पानी है। इस तरह से सारे बॉल्स बना लें। और ध्यान रखें, अगर बॉल्स नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकती हैं, चाहे कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकती हैं। चलिए इसे अब हम फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब देखिए, मैंने सारे बॉल्स को तैयार कर लिए हैं और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे पहले हमें नहीं हिलाना है, इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दे, तब इसे हमें पलटेंगे। हमारा सोयाबीन का बॉल्स देखिए बनकर तैयार है और ये गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं। इसे सारे हम तेल में से निकाल लेंगे और इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, साथ में हम अपनी शिमला मिर्च भी डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें, हाफ कुक ही करना है। चलिए फ्राई होने दें। ये देखिए, ये शिमला मिर्च और प्याज हमारा भुनकर तैयार है। इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है। आप इसमें अदरक लहसुन इसे ग्रेट करके भी डाल सकती है, मैंने इसमें पेस्ट डाला है। इसे अच्छे से मिला लें, साथ में रेड चिली पाउडर भी डालेंगे हल्के से तीखे के लिए। ये देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच सोया सॉस, साथ में 1 चम्मच चिली सॉस, साथ में 1 चम्मच विनेगर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे हमें हल्का सा तेल छोड़ने तक ही पकाना है। अब देखिए, मैंने इसमें 2 चम्मच छोटा चम्मच से कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें पानी ऐड कर दिया था।
इसमें कम से कम हम 2 से 3 कटोरी, 2 कटोरी डालेंगे। कटोरी तो मैंने डाला है, 2 कटोरी और पानी डाल लेंगे। अभी 1 कटोरी डाला है, साथ में नमक डालें स्वाद अनुसार। ध्यान रखें सोयाबीन के बॉल्स में भी नमक है और टोमेटो केचप में भी है। ये देखिए बॉल्स कितने क्रिस्पी बने हैं, आप इसे स्नैक्स के रूप में भी ले सकती हैं। ये देखिए 1 कटोरी और डाल लेंगे पानी हम इसमें अब, और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। हमारा ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुका है, गैस का फ्लेम मैंने लो रखा था। अब इसमें हम सोयाबीन के बॉल्स डाल देंगे। ये देखिए 1 मिनट कुक करेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और हमारा रेडी है सोयाबीन मंचूरियन। हमारा सोयाबीन मंचूरियन रेडी है बॉल्स के रूप में और ये काफ़ी स्वादिष्ट है। आप इसे चाउमिन के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, फ्राइड राइस के साथ खाएं, ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसके बॉल्स। ये देखिए ये वेज मंचूरियन की तरह टेस्टी लगता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।